नीलम विश्वकर्मा जी, आपकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, बार बार चरणों की वंदना है, आप हमारी गुरु बहन है, इसके लिए मैं आपको हृदय से नमन करता हूँ। गुरुवर के चरणों में बार बार नमन वंदन करते हुए एक प्यारा सा गीत आपको दे रहा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सुनेगा सुने। सुनिएगा, फिल्मी दुनिया वालों ने गाया क्या है, राधा के संग संग जीना मुझे, भक्ति भाव के साथ इस कीर्तन को श्रवण करना, इसमें आपको इतना कुछ मिलेगा कि अगर वास्तव में दिल में उतार लिया तो मुझे लगता है कि आपका परलोक भी समझ जाएगा। सुनिएगा, ये बाधा कैसी उसे जिसे राम ने साधा, आराम से, किसी को भी बाधा नहीं होती, ये जिसे राम ने साधा, करना क्या होगा, क्या उल्टा जपो सीधा जपो, उल्टा जपो सीधा जपो, पूरा जपो यादा, ये बाधा कैसी उसे, अरे जिसे राम ने साधा, इस गीत में खासियत लगी है वो मैं आंध्रा की उतार में बताऊंगा। राजा दशरथ जब श्रवण समीप भये श्रुत केसा, सोच रहे हैं कि इस चौथे पन में भी कोई संतान नहीं है, आखिर मैं अपना दिया हुआ वचन जो जटायु को दिया था कि मैं पहला पुत्र तुम्हें दान करूंगा, ये वचन भी मैं नहीं निभा पा रहा हूं। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गुरु जी के कहना के अनुसार, देखिए होता क्या है, क्या बने सोच रहे हैं, फल है ये फल, फल है ये फल, पूर्व पुण्यों का फल है, मेरे पूर्व जन्मों का पुण्य है, ये पुण्य वो है जो आज ये यज्ञ होने जा रहा है, फल है ये फल, पूर्व पुण्यों का फल है, फल है जो कुल में
फूल फल है फल है ये फल पूर्व पुण्यों का फल है फल है जो कुल में रहा फूल फल है कैसा फल है कैसा फल है फला तो ये जीवन सफल है सफल है मेरा यज्ञ पाकर ये फल है मेरा यज्ञ भी सफल है जब ये फल यज्ञ ने दिया और वो फल कौन सा था नीलम जी जो खीर निकली जो चरु निकला उसे कैसे वितरित किया गया सुनिए कैसे बने उस फल को आधा किया उस फल को आधा किया आधे से भी पुण्या एक बार दोबारा समझिए उस खीर को पहले आधा किया फिर आधे से आधा किया क्योंकि अर्ध भाग कौशल्य ही दीना उभय भाग आधा कर दीना फिर आधे से भी आधा कर दिया उस फल को आधा किया उस फल को आधा किया आधे से भी पुण्या ये बाधा कैसी उसे जिसे राम ने बात केवल इतनी है कि आधे से पुनी आधा आधे से पुनी आधा दूसरी बात सुनिए ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है भगवान ने हमें तुम्हें मानव का शरीर दिया है और ये मानव का शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है ना बने कैसा है कैसा तन्हे हजारों न मानव सा तन्हे नारायण भाई ये मानव का शरीर बड़े मुश्किल से मिलता है और आज आप लोगों को मौका मिला है कि आज आप लोगों ने विश्राम किया भगवान के दरबार में पकड़ अच्छी है लड़के की सही कह रहे तन्हे हजारों न मानव सा तन्हे ये अनमोल हीरा रतन है हीरा और रतन से भी सुंदर ये तन है इसलिए कहना है तन है हजारों न मानव सतन है तन है ये अनमोल हीरा रतन रतन है ये तन तन से कर लो यतन है यतन है किया तो ना होगा पतन है अगर इस तन से यतन किया तो इस तन का कभी पतन नहीं हो सकता लेकिन यतन करना कैसे है कैसे एक घड़ी आधी घड़ी एक घड़ी आधी घड़ी आधे से भी पुण्या क्या बात है बात आप लोग समझ गए होंगे मैं किस जगह की बात कर रहा हूं समझो अगर मेरे गीत में पूरे में यही लाइन मिलेगी आधा नहीं आधे से भी पुण्या क्योंकि कहा गया है एक घड़ी आधी घड़ी आधे उसे पुनियाद तुलसी संगत साधु की हर है कोट अपराध तो करना क्या है क्या एक घड़ी आधी घड़ी एक घड़ी बात सुनिए
गीत का अंतिम टुकड़ा सबसे लाजवाब है। एक बार क्या हुआ, कबीर दास जी के पुत्र का नाम था कमाल। जब कबीर दास जी ने देखा कि मेरे पुत्र की जो इच्छा शक्ति है वो भगवान के चरणों में नहीं है, इधर उधर भटक रहा है, इसे भगवान के चरणों से प्रेम कैसे हो, इस वास्ते उन्होंने सूरदास जी के यहाँ भेजा। जय हो। और जब भेजा तो सूरदास जी के पास जब भेजा तो समझ गए सूरदास जी कि कबीर दास जी ने अपने पुत्र को मेरे पास क्यों भेजा है। सूरदास जी ने कहा, कमाल, क्या तुम्हें कोई चीज इस नदी में बहती हुई नजर आ जा रही है? कमाल ने कहा, हाँ मुनिवर, हाँ सूरदास जी, मुझे एक मुर्दा नजर आ रहा है जो बहता हुआ चला आ रहा है। उन्होंने कहा, अगर मुर्दा बह रहा है तो जाओ, मैं एक शब्द बता रहा हूं, इस मुर्दे के कान में वो छोटा सा शब्द कह दो। कमाल ने कहा, बताइए। अब देखिए बताते हैं तो होता क्या है। क्या बड़े लिया है पकड़ कान रा कह दिया, रामे आका डंडा नहीं लगा ना बेटे, केवल रा को कह दिया। लिया है पकड़ कान रा कह दिया, दिया मुर्दे में प्रज्वलित कर दिया। वाह बेटे वाह, ज्यों ही रा कहा तो मुर्दे में जान आ गई। लिया है पकड़ कान रा कह दिया, दिया मुर्दे में प्रज्वलित कर दिया। दिया है जला चंद्र हर सिद्ध दिया, क्या बड़े दिया है जला चंद्र हर सिद्ध हिया, हिया में प्रभु नाम को रख लिया। बेटे उस राज शब्द को उस मुर्दे ने अपने दिल में रख लिया और वो जिंदा हो गया। और जब जिंदा हुआ तो कमाल ने कहा कि सूरदास जी, ये किस चीज का कमाल है? सूरदास जी बता रहे हैं किस चीज का कमाल है, क्योंकि मुर्दा जिंदा हो गया। तो देखे होता क्या, क्या बने? सूरदास जी ने कहा, कमाल, देखो मैं बता रहा हूँ किस चीज का कमाल है। पूरा कहो आधा कहो, पूरा कहो आधा कहो, ये राम नाम के शब्द का कमाल है। चाहे पूरा कहो या आधा कहो, या राम नाम के केवल मैंने रा अक्षर को सुनाया वो जिंदा हो गया। पूरा कहो आधा कहो, पूरा कहो आधा कहो, या आधे में बुनिया, ये बाधा कैसी उठा, अरे किसी राम उस पल को आधा किया, उस पल को आधा किया, आधे से भी बुनिया। और इतना ही नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधे से भी बुनिया, ये बाधा कैसी उसे, अरे जिसे राम ने
और ये हमारे माननीय सम्मानीय परमादरणीय सुखनंदन प्रधान जी का रही चिंता है, चिंता जरूर सुनाए, मैं जरूर सुना दूंगा दो लाइनें आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका टाइम अधिकतर प्रथम राउंड में होता है और राग रागनी जब विलक्षण दिशा में अगर चली जाए तो थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि जिस समय मान लीजिए प्रधानमंत्री का आने का टाइम है, ये कुर्सी प्रधानमंत्री की है और उसमें एक चपरासी जाके बैठ जाए तो प्रधानमंत्री को बुरा लगेगा, या तो उसकी नौकरी जाएगी या कुर्सी हटा दी जाएगी। तो राग रागनी ब्रह्म मुहूर्त का समय है, भैरव और भैरवी अहिर भैरव इन रागनियों का टाइम है और ये जस्ट थोड़ा अपोजिट में है, लेकिन दो लाइनें हम आपकी इच्छा रखने के लिए जरूर सुना देंगे बाद में। आया फिल्मी दुनिया वालों से एक गीत गाया है बड़ सुंदर, अपनी कोशिश कर रही हूँ अपनी ओर से। सो गए मिश्रा जी, मेरा ये रूप रंग तेरा हुआ ये, प्रकार की शक नहीं है, बहुत बढ़िया। अब जब सवाल अच्छा आया है तो जवाब प्रयास कर रही हूं अपनी ओर से बिल्कुल कि सुंदर से गीत का सुंदर ही जवाब हो जाए। भगवान कन्हैया राधा रानी से प्रश्न करने लगे, क्योंकि जो फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं कि ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा, क्या बात है, तो राधा रानी से कन्हैया ने कहा क्या, और ये शम्मानी भैया नाम नहीं बता गए हैं आप, आपके ओर से 51 पद्म मुद्राएं भेंट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सम्मानी बड़े भैया भैया श्री जगत सिंह राजपूत जी आपके करकमलों से 51 पद्म मुद्राएं भेंट हैं हमारे भैया भैया श्री अशोक विश्वकर्मा के लिए प्रदान है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आजीवन आशीर्वाद की कामना। सुनिएगा दुनिया वालों ने, तो कन्हैया कहने लगे कि ए राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा, लेकिन इधर है क्या, क्या श्याम आधा नहीं है, क्योंकि राधा वही वही श्याम है, तो कहना पड़ा क्या, ओ राधा तेरा
मैं मेरी है तू राधा दिखाया है। क्या बात है, क्या बात है बेटा, ले लो ले लो वापसी में। अरे हमारे सम्मानीय बड़े भैया, संपूर्ण रात्रि आप लोगों ने सुना है, भैया श्री मुकेश मृदुल जी आपके करकमलों से 101 पत्र मुद्राएं भेंट हैं और ये पुष्पमाल प्रदत्त है। आजीवन आशीर्वाद की कामना है। हमारे सम्मानी गुरु वर ने भी बताया कि बड़ा अच्छा लगता है कि जब गुरुवर स्वयं कहते हैं कि हम जाने जाते हैं मुकेश भैया के नाम से। क्या बात है, तो ये मंच के माध्यम से बड़े भैया बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब कोई ये कहता है कि हमारे मुकेश भैया ये गाते हैं वो गाते हैं, तो वास्तव में मैं बहुत खुशी होती हूँ। बहुत बढ़िया, इतनी प्रसन्नता होती है हृदय में कि मैं ऐसे भाई की बहन हूँ। क्योंकि जहाँ मुकेश भैया की मैं बहन हूँ इस बात का मुझे गर्व होता है। आइए, लेकिन गर्व होता है जवाबी बराबर की होगी। बिल्कुल सुनिएगा, कहना है राधा रानी से कन्हैया कहने लगे राधा शाबाश। शक्ति है तू मेरी, मैं तेरी शक्ति। क्यों, हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। शक्ति है तू मेरी, मैं तेरी शक्ति। शक्ति बिना सृष्टि चल नहीं सकती। शक्ति की करता मैं दिन रात भक्ति। शक्ति की करता मैं दिन रात भक्ति। भक्ति से इस तन में आती है शक्ति। तो शक्ति को मैं नहीं, शक्ति को शुरू है वहीं पर समाप्त है। बहुत बढ़िया, शक्ति से प्रारंभ है और शक्ति पर विराम है। आइए एक वंद और सुनिएगा और सभी से निवेदन है, पंक्तियों को सुनिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कन्हैया ने शक्ति को बांट दिया, एक शक्ति है तो आधे हुई राधा
और आधे कन्हैया। आइए एक बंद और दे रही हूँ अपने आपको, सुनिएगा। जोड़ी कई सृष्टि में लाखों जोड़ी, दिखा रही हूँ बड़े भैया। क्या बात है? जोड़ी कई सृष्टि में लाखों जोड़ी, जोड़ी किसी ने भी न ऐसी जोड़ी। जोड़ी कई सृष्टि में लाखों जोड़ी, जोड़ी किसी ने भी ऐसी न जोड़ी। आधे में भगवान भोलेनाथ, आधे में माता पार्वती, तो कहना पड़ा क्या? दो तन को जोड़ दिया, दो तन को जोड़ दिया, पर दिखता आधा था। ओ राधा तेरा हूं मैं, मेरी गीत का बड़े भैया यथाशक्ति हम बच्चों की तरफ से प्रयास। आइए अपनी ओर से एक छोटा सा गीत दे रही हूं।